हूँ, सच कहता हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। बाकी जो है ना, ये मामा जो बेटी है, ये इसकी ना शोहर है ना बेटा कोई है और ना वो कोई है। इनसे अपना तारीफ करा दें पहले और फिर सवाले से आप लोग फिर से। मेरा नाम मारूफ है और मैं इस माँ का, माई का जो है ना दामाद हूँ, और इस माँ का जो है ना कोई बेटा नहीं है, कोई शोहर नहीं है। इसकी एक पांच बेटी है, जिसका जो है अपना एक ये शाहकबूल का भी छोटा सा एक दो मरले का मकान है, वो ये लोग फरोख करना चाहता है। तो ये सब बैठे बेटियाँ मीटियाँ जो है ना वो बैठे, उसने बात किया, अपने आप में मशवरा कर लिया कि मैं हम ये लोग ये जगह बेचते हैं और इस पर हम जो है ना अपने लिए कोई थोड़ा सा जगह ग्राम में लेंगे, वो लेंगे, हमारा किराया का कुछ वस नहीं होता। ये जगह हमने बेच दिया और जो है ना अभी तक कोई पैसे वैसे नहीं मिले। ये लोग जो है ना इसकी बाई है, सक्का बाई है, शेरोजल नाम है और इन लोगों का मामा है। वो आया और उसने कहा कि इसमें से मुझे हिस्सा दे दो, इसमें से मुझे हिस्सा दे दो। और मैंने ये रिक्वेस्ट इन औरतों से किया कि बहनों बेटों, आप इस तरह करें कि इमाम को आप लोग 5,000 रुपया दे दें। ये सब मुझ पर चपट गए कि नहीं, हम क्यों दें, अगर आप देना है तो दे दें। बाकी बात दरअसल ये है कि ये लोग आए और वो शेरोजल चला गया। उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ। उसका एक बेटा है, नाम है, पुलिस में एक सिपाही है, मामूली सिपाही है। उसने कहा कि मैं अभी अपने बेटे को भी बुलाता हूँ, उसको ले आता हूँ। बेटा आया, उसने दरवाजे को लाते मारी, अंदर दाखिल हुआ, इन जनानियों के साथ तोड़फोड़ की, मारपीट की, और बाकी जो है ये लोग ताने चले गए, शाहकबूर रहमतुल्लाह के ताने चले गई। वहाँ पे ये लोग बैठ गए, सीचों से बात की, रिपोर्ट की। वहाँ पर पुलिस आई और अदनान और उसका एक भाई है इरफान और एक भाई है उस्मान, वो पर वक्त गिरफ्तार कर लिया उस पुलिस वालों ने। बाकी जो है पुलिस वालों ने जो पता कि उसको कुछ अलग किया, हमारा पीढ़ी बंद है या सिपाही है, उसने उसको मदद दी, छोड़ दिया। बाकी जो है कल दोबारा 18 तारीख पे जो सुबह के वक्त ये लोग फिर दोबारा इनके घर पे हमलावर हो गया और इन लोगों से फिर दोबारा जो है ना इसी तरह बदतमीजी की हुई। हम लोग चले गए ताने के, जब हम ताने चले गए, वो जो है वो मुजरिम तीन मुजरिम, अदनान सिपाही और इरफान और उस्मान, ये सब जो है ना वहाँ पे एसएचओ के साथ कुर्सी पे बार बैठे थे। और वो एसएचओ उल्टा पता नहीं है कि रात में क्या हो गया, इस एक ही रात में एसएचओ सुबह हमें गालियां देता है कि हम तो अभी तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे, अभी तुम्हारे साथ ये करेंगे, अभी तुम्हारे साथ वो करेंगे। बाकी जो है वो लोग एक सिस्टम में चालान हो गया। बाकी उसी दिन दोबारा वो आई और उसे हमारा किसी ने क्या किया। बाकी अदनान ने एक बात इन औरतों से किया, पूछ लो आप लोग सहाबी बिरादरी अब सब पूछ ले से। उसने कहा कि मैं पुलिस में हूँ, पुलिस पे बहुत मान करता है कि मैं तुम्हें लोग जो है ना अभी ताने ले जाकर वो आप लोग के साथ वही काम करूँगा जो आपने हमीर ताकाली के साथ किया। ये जनाने में खुदा की कसम अल्लाह से नजर जानता हूँ कि इस बात पर ना मेरा कोई लालच है, ना मैं कोई झूठ बोलता हूँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। दरअसल ना हमारा ना ताना पूछता है, ना अल्लाह काम पूछता है, आखिर हम जाए कहाँ, किसके पास जाए। ये तो पाकिस्तान है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, आला उद्दारान को कि बराए मेहरबानी करें कि ये अदनान के पास और इरफान के पास और उस्मान के पास, इससे तो ये कुछ ना बाप के साथ आए, तमाम तर बाप जो है ना बाप के साथ आए और उन्हें इस औरतों पर, इस बूढ़ी औरत पर, इस जनानों पर जो है ना उसने जो बदसलूकी की, उसकी जो है उसके साथ बड़ा बुलक किया, हाथा पाई की। बस ये मेरी बात है, मैं तमाम तर पाकिस्तान चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से, ऐसे आईजी पुलिस से, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से, बाकी गवर्नर शाह फरमान से, बाकी जो है ना चीफ जस्टिस से, अलाउद्दीन से,
रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमसे हमारा मदद करें। हम अपील करते हैं पाकिस्तानी उदादारानों को कि वो हमारे इस जो है ना इस कार्रवाई पे भरपूर एक्शन लें और इन लोगों से पूछ लें। माँ की नाम है इसके शोहर के नाम के इसका भाई भाई है भाई को खुद इससे बता मांग रहा है ना भाई जो है भाई जो इसने अपना भाई ने अपना घर यहाँ पे भेज दिया ना तो माई ने ईसा मिसे की कोई बात नहीं की और ना मांगी और आप माई की घर है भाई आता है और इससे कहता है इसकी कोई अलवाद नहीं है। पांच बेटियां एक दो तीन चार पांच घर की मलकियत कितनी है घर के मलकियत तकरीबन 60 लाख रुपए है। 60 लाख रुपए में से आपने अभी बताया कि 5,000 रुपए आप उसको दे दो। ना मैंने कहा कि आइए अपने उस मामू को दे दो मामू को दे मैंने कहा कि इस आप लोगों को जो है 10-10 लाख रुपया होता है ना इसमें से खैर 5,000 रुपए आप लोग जो है ना इस माई को ये मामा को दे दो तो इन लोगों ने मुझसे भी आता पाई की नहीं हम क्यों दे ये घर आप लोगों ने किसको ये घर हमने वहाँ के एक घर के साथ घर वाला है उस पर प्रयोग किया रकम अभी तक ना कानूनी कार्रवाई हुई ना रजिस्ट्री हुई कब्जा अभी तक हमारे पास है जब हम कब्जा देंगे रजिस्ट्री उसके नाम से होगी इंशाल्लाह ताला वो पैसे के पैसे उसने कुछ दिए अभी तक कुछ नहीं फिर आपने कैसे घर भेजे घर तो हमने भेज दिया तो जुबानी बात है ना जुबान पर बात है कब्जा हमारे पास है उसने सर बयानी के तौर पे 5,000 रुपए दिए इन लोगों के सर 107 पे रिपोर्ट दर्ज करवाई बशीर अफजल के खिलाफ और उनकी बेटों के खिलाफ उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई वगैरह कुछ कोई कार्रवाई नहीं सुबह हम गए थाने सुबह 17 तारीख की रात शाम की ये बात हुई और सुबह 18 तारीख फिर हम दोबारा वो आए और दोबारा बला बुला किया शेरावजल कितने पैसे मांग रहे शेरावजल कहता है कि ये लोगों से मेरे लिए 25,000 रुपए ले लो 25 का जो भाई है वो बोल रहा हाँ, वो बोल रहा कि इनसे मेरे लिए 25 इन भी अपना हिस्सा ले लिया ना ये पांच बहने एक बार 25,000 रुपए के साथ 1.5 लाख रुपए वो आपसे मांग रहे देगा 1.5 लाख 60 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए आपसे मांग रहा है 60 लाख में से 1.5 फजूल मांग रहा है ना उसमें कोई जायदाद में इसको दे देना इस आदमी ने क्या खैर 5,000 रुपये मामू को दे दो मतलब वो इस वाला का क्या कहना ये देती है ये बात नहीं कर सकती बात नहीं ये पालच की बीमार है ये देखो इसके पांव का काम नहीं करता है इसके टांग काम नहीं करता है इसकी जो है ना अभी तक एक बस ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है बस खाली इससे बात करो ये आज की है घर की मालिक इससे सख्त किए हैं किस चीज पर फरोख के वक्त ना ना ला कुछ नहीं किया ला अभी तक कुछ नहीं हुआ ना पैसे जिस बंदर है ना जिसने खरीदा हो तो पैसे देगा तो सब कुछ आप दोगे तो पैसे देगा ना ऐसे कैसे देगा ये जो है ना ये विरासत होगा ये अभी काम नहीं कर सकते इनके पैर हाथ ये जा नहीं सके ये इसकी पांच बेटों पर विरासत पलटेगा। बच्चों के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं इसका दामाद हूँ। अच्छा, इनमें से एक के आप शोहर? मैं इनमें से इसी का शोहर हूँ। अच्छा जी, और इनके और खावन? ये इनके और खावन इसका शोहर मर चुका है ये इसका खावन पागल है बिल्कुल। अब आप लोग चाहते हैं कि घर बेचकर इन लोगों को इनका हिस्सा दे दे? ना वो तो हम देंगे वो तो माजी देता है ये तो इस बात पर कोई इसका कोई इतराज तो नहीं है अपने बेटों के देता है वो जो भाई है ना वो किस चीज का हिस्सा मांगता है भाई को नहीं देता है कहती है भाई ऐसे बता आप कामरान हमने घर उस पर बेचा है उसको तो कोई दबाव नहीं था ना ना उसे उसी उसी का क्या काम है हमारे साथ ना उसने कुछ शेरोजल और शेरोजल के वो कहता है शेरोजल कहता है कि मेरे छह बेटे हैं